नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर हम लोग आफ्टरनून में देखें कि क्या कि हमारा गेट 2021 का हम लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं उस पर एक वीडियो ले लेता हूँ। तो उसमें जो हम लोगों का सबसे मतलब क्या है एक्टिविटी, जो हाइलाइट्स है, सबसे पहले तो हम लोगों का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो स्टार्ट कब से हो रहा है? 14 सितंबर से हो रहा है, तो अभी भी बहुत टाइम है इस चीज़ में। तो और ये जो एंड होगा ये 30th में होगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसी के अंदर अपना भर देते हैं। फालतू में क्यों हम लोग एक्स्ट्रा पैसे दे के लेट में डाले? तो इसीलिए आप लोग ये ट्राई कर लीजिए, मोबाइल में आप लोग एक लगा लीजिए 16 या 17 तारीख का कि आपको फॉर्म भरना है, भर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट फॉर चेंज इन कैटेगरी पेपर एंड एग्ज़ाम सिटी ये 13 नवंबर तक होगा। इसमें भी आप लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्या? हमें फ़ीस देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आप लोग का 8 जनवरी में आ जाएगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट होगा ये 6 स्लॉट में। ठीक है, 6 दिन होंगे, 2 स्लॉट में। तो मैं क्योंकि ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये हमारा किसका होगा, IN और ECE का होगा, तो मैं आप लोगों को इतना बोल सकता हूँ कि IN वालों को ना यही डेट होगा 5 फरवरी, स्टार्टिंग में ही ये लोग दे देंगे। अगर आप लोग ट्रेंड देखोगे तो IN वालों का यहीं पे होगा, और ECE वालों का मैं एकदम बोल तो नहीं सकता श्योरली, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है आइदर 12th फेब होगा या तो 7th फेब। हवे में बात करना सही नहीं रहेगा, लेकिन IN वालों का तो मैं 90% श्योर हूँ कि ये आप लोगों को फर्स्ट में ही रहेगा। ठीक है, और डेट्स देख रहे हैं आप लोग, मतलब एकदम वैलेंटाइन डे में ही आ रहा है सब। जिसका 14 फरवरी हो गया वो तो खेल हो गया उसके साथ, पूरा उसका वैलेंटाइन वीक मतलब ख़त्म हो गया एकदम। ठीक है, मतलब एकदम खेल है उसके साथ। और रिजल्ट तो मतलब समझ गए, 22 तारीख को आ रहा है, 22 मार्च को हम लोग का आएगा रिजल्ट। तो देखते हैं आगे क्या चेंजेस क्या क्या है। तो सिलेबस जो है ये तो चेंज हुआ है, ठीक है, ECE वालों का तो चेंज हुआ ही है, और IN वालों का तो बहुत डेंजरसली चेंज हुआ है, मतलब IN वालों के साथ बहुत गलत हुआ है इस बार, लेकिन डरा के क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम तो देना ही है सबको। पैटर्न, ये कुछ नया चीज़ आ गया है, पूरा एकदम JEE मेंस JEE एडवांस की तरह आया है। बहुत लोग कमेंट भी किए पड़े हुए कि JEE मेंस JEE एडवांस। तो देखिए ये MCQ टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि MCQ जो है ना ये हमारा वही नॉर्मल वाला 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें से एक ऑप्शन जो रहेगा वो क्या है हमारा करेक्ट रहेगा, और बाकी 3 क्या रहेंगे, 3 ऑप्शन जो रहेंगे वो रॉन्ग ऑप्शन रहेंगे हमारे। यहाँ पे जो है हम लोगों का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये वाले MCQ में नेगेटिव मार्किंग है। अब क्या आता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि हम लोगों ने पहले ऐसे कभी नहीं देखा है। मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या होता है कि हमारा ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का रहता है, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसे आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या है नो नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी नो नेगेटिव मार्किंग है हम लोगों का। ठीक है, तो ये पैटर्न में एक यहाँ पे नया चीज़ आया हुआ है। अब जो सबसे बड़ा बात है पेपर का कॉम्बिनेशन, तो ECE वाले जो है वो 2 पेपर दे सकते हैं। अगर आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो ये अवेलेबिलिटी पे होगा, आपके सेंटर के जो आपका सिटी होगा वहाँ पे अगर अवेलेबल रहा तो ही आप दे सकते हैं। तो ECE वाले अपना प्राइमरी पेपर, क्योंकि आपका डिग्री जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, तो आपका जो प्राइमरी पेपर रहेगा वो तो ECE रहेगा, लेकिन आप IN और फिजिक्स में से, PH मतलब क्या है हमारा, PH जो है वो है क्या, फिजिक्स है। तो आप लोग IN मतलब तो इंस्ट्रूमेंटेशन सबको ही पता है, तो ECE वाले अपना जो सेकेंडरी पेपर है वो IN में भी दे सकते हैं या तो फिजिक्स में दे सकते हैं। EE वाले सिर्फ IN में दे सकते हैं, और IN वाले जो है वो ECE में दे सकते हैं, EE में है और फिजिक्स में, तीनों में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज सही है, मतलब
अब दे सकते हैं आईएन वालों के साथ, मतलब बाकी लोग भी दे सकते हैं, तो आईएन वालों के साथ भी अब कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। मैं तो पहले ही बोला कि आईएन वालों के साथ थोड़ा सा इस बार बुरा होने ही वाला है, लेकिन ठीक है ना, मतलब मैं हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा। यहाँ पे आईएन वाले टेंशन बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि मैं आप लोगों का साथ दूंगा। मैं जो भी यहाँ पे चेंज हुआ है, मैं खुद देख रहा था सिलेबस, अभी जो चेंज हुआ है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मेरे को खुद को भी कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है, जबकि मेरा एमटेक जो है वो इलेक्ट्रिकल में है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स है जो मेरे को भी नहीं पता है। तो ठीक है, मैं पढ़ के आप लोगों को पढ़ा ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि सेपरेट फ़ी फॉर द सेकेंड पेपर। आपका सेकेंड पेपर का आपको फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को फ़ी तो पता ही होगा, कुछ 1500 होता है जनरल वालों का, और जो बाकी कैटेगरी और वुमेन है उन लोगों का आप लोग देख लीजिए, मेरे को आइडिया नहीं है वो सब का। तो जो लोग दो पेपर देना चाहते हैं वो 3000 पे करेंगे, और अगर किसी कारण से आपका सेकेंड पेपर नहीं होता है, अगर आईआईटी नहीं कंडक्ट करवा पाती है, तो आपका 1500 रिफंड होगा, ठीक है। और कोई भी केस में आपका 1500 रिफंड नहीं होगा, मतलब जो आप सेकेंड पेपर के लिए 1500 भर रहे हैं वही रिफंड होगा, ठीक है। थर्ड ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत लोग मतलब है कि थर्ड ईयर क्यों अप्लाई कर सकते हैं, इस पे मजाक बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, बहुत कुछ मतलब था। तो थर्ड ईयर दे सकते हैं, बहुत अच्छा बात है कि अगर थर्ड ईयर वाले दे रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए आप लोग कैंपस प्लेसमेंट, अभी इतना ख़राब टाइम चल रहा है, मतलब कोविड ओविड हुआ है सबको, इतना एकदम जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी निकाल रहे हैं। तो अब अगर आप थर्ड ईयर वाले हैं, आप कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हैं, अगर आपको देखा वहाँ पे जो आपको रिक्रूट करने आया है रिक्रूटर, वो अगर आपको देखता है कि नहीं आपने गेट स्कोर आपका अच्छा है, अबव 600 700 आपका स्कोर है, तो एक क्या होता है कि मतलब एक इमेज उसका तैयार हो जाता है कि आपको आता है चीज़ें एकदम, आपको क्लियर है मतलब बेसिक लेवल में, तो वो आपको रिक्रूट करेगा, एक अपर हैंड आपको मिलता है, ठीक है, जो थर्ड ईयर वाले देते हैं। तो मैं बोलूँगा कि थर्ड ईयर वाले आप लोग दो एग्ज़ाम, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करके दो। और अगर किसी एक मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा है मतलब जो कि एकदम टॉपर टाइप का है, जो खेल कर दिया एग्ज़ाम में, एकदम अबव 800 लेके गया, तो उसको चिंता ही नहीं है, वो अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट वोजेक्ट एकदम अच्छे से कर सकता है, वो तो अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो थर्ड ईयर वाले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग दोगे। अब जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और एक जो पॉइंट इन लोगों ने बहुत बार बार मेंशन किया है वो है कि स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ाम में चेंज ड्यू टू कोविड-19। अब देखिए कोविड-19 तो चल ही रहा है बहुत, आप लोग सब सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे सिलेबस, मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ ईसी और आईएन वालों को ही लूँगा। अब आईएन वाले आप लोग ईसी का भी देख सकते हैं, अगर आप लोग प्लान करते हैं कि आप लोगों को देना है सेकंड पेपर, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको देने का मन है नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप लोगों को दूसरा पेपर देना है तो आप लोग ईसी का सिलेबस देखिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपको नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आईएन वाले में जंप कर जाइए, ठीक है। आईएन वालों को मैं लास्ट रखा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो फेवरेट ब्रांच है, समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब मैं बीटेक हूँ आईएन से, तो मेरा फेवरेट बच्चे ब्रांच है एकदम, मतलब बच्चे भी सब फेवरेट हैं मेरे आईएन वाले। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना जो मैथ्स का पार्ट है वो सब सेम है, ये भी हम लोग का लीनियर एलजेब्रा पहले से है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब हम लोगों को है। एक चीज चेंज हो गया, वो क्या है, हम लोगों का न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है यहाँ पे मैथ्स में, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या हुआ है, एक्सक्लूड कर दिया है इन लोगों ने। यहाँ पे अब हम लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं पढ़ना पड़ेगा, अच्छा है ना, कुछ रटना वटना नहीं पड़ेगा, वो सब न्यूटन रैप्सन और पता नहीं क्या क्या था। हाँ, तो मैथ्स में आप लोगों का सिलेबस जो है वो सेम है, सिर्फ हमारा क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो चेंज हुआ है। अब देखिए नेटवर्क और सिग्नल, यहाँ पे भी आप लोगों को कोई ज़्यादा चेंजेस, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, जो पहले था वही है। फिर भी अगर है तो मतलब एक चीज़ आप लोगों का यहाँ पे, रुकिए मेरे को चेक करने दीजिए, जो है डिजिटल फिल्टर आप लोगों को पहले था शायद, अब नहीं है, ठीक है। तो मैं ये डिजिटल फिल्टर वाला देखिए आप लोगों को पहले, ये मेरे से शायद स्किप हो गया था, डिजिटल फिल्टर आप लोगों को पहले था, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे है क्या कहीं डिजिटल फिल्टर, डिजिटल फिल्टर यहाँ पे नहीं है, तो डिजिटल फिल्टर भी जो है हमारा एक्सक्लूड हुआ है,
कहाँ से एक्सक्लूड हुआ है? ये हमारा सिग्नल एंड सिस्टम से एक्सक्लूड हो गया, डिजिटल फिल्टर। ठीक है, ईडीसी देखिए, ईडीसी में भी आप लोगों को एक चीज एक्सक्लूड हुआ है, क्या? आईसी, आईसी फैब्रिकेशन आप लोगों को नहीं है। और अच्छा टॉपिक था, मतलब जो लोग अब मास्टर्स करना चाहते हैं वीएलएसआई या एम्बेडेड में, उन लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब इन लोगों ने कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा ईडीसी से भी, आईसी फैब्रिकेशन। एनालॉग सर्किट, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत एम्बिगुअस मेरे को लगा, यहाँ पे ना इन लोगों ने टाइमर के बारे में और वेव शेपिंग सर्किट के बारे में ना कुछ भी बोला ही नहीं है। मतलब एनालॉग सर्किट देखिए, अब यहाँ पे ना 555 टाइमर के बारे में भी कोई मेंशन नहीं किया है कि नहीं है, वेव शेपिंग सर्किट भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये हुआ, एक क्या हुआ, वेव शेपिंग सर्किट हुआ। ठीक है, और फंक्शन जनरेटर्स, ये भी हम लोगों को कुछ बोला नहीं है। तो ये तीन ना मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसमें होगा कि नहीं होगा, कि मतलब कहीं पे बोला नहीं है, लेकिन ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब एम्बिग्विटी है ये वाले तीनों टॉपिक का, लेकिन अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि ये करना है तो ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, 555 टाइमर ये सब जो है एक दिन में हम पूरा कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चंस भी कम आते हैं, और जो क्वेश्चन आता भी है वो एकदम सिंपल आता है, मतलब चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम यही सब पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ ही लेंगे इसको, इसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि ईडीसी हुआ, यहाँ पे एकदम मतलब मेंशन ही है, ये आईसी फैब्रिकेशन है नहीं और इसका कोई लिंक भी नहीं है किसी दूसरे से, तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो इससे क्वेश्चंस आएगा नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब डिजिटल सर्किट, यहाँ पे भी देखिए आप लोग को, यहाँ तक तो कोई चेंज हुआ नहीं है। अब देखिए जो डिजिटल सर्किट है ना, यहाँ पे एक चीज एक्सक्लूड हुआ है, देखिए क्या, माइक्रो प्रोसेसर एक्सक्लूड हो गया। मतलब अब ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इतना अच्छा टॉपिक था, मतलब पढ़ने के लिए पूरा बेसिक चीज़ है, उसको ही निकाल दिए, लेकिन उसकी जगह पे ऐड क्या हो गया, अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। अब जो लोग मतलब ईएसई देंगे उन लोगों के लिए अच्छा है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इन्होंने सिर्फ एक एक नाम मेंशन कर दिया है। ठीक है, इस नाम के अंडर ना और 10 सब टॉपिक है, तो ये पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इन लोगों ने बस मशीन इंस्ट्रक्शन लिख दिया एंड एड्रेसिंग मोड्स, यही करीबन 100-150 पन्ने का तो चैप्टर होता है, हम इंजीनियर हैं हम तो चैप्टर पन्नों से गिनते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि बस एक लाइन में है तो ये हम ऐसे ही कर देंगे, और ये नया होगा तो इसके लिए क्वेश्चंस भी नहीं है अभी हम लोग के पास। तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग ये सीएस वाले पेपर से इसको निकाल के ला सकते हैं, गेट का क्वेश्चन, अगर मैं ये वाले लिया, अगर इसका मैं लेक्चर कंडक्ट किया तो मैं वही करूँगा कि मैं सीएस और ईएसई के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा उठा के लाऊंगा और समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो ये मेरे को भी खुद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बीटेक के बाद, बीटेक मेरे अभी शायद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था, उसके बाद मैंने कभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देखा ही नहीं है, तो पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे तब, क्या है उसमें। कंट्रोल सिस्टम में भी देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कोई चेंजेस हुआ नहीं है। ठीक है, कोई भी चेंजेस है नहीं। अब देखिए कम्युनिकेशन में ना, कम्युनिकेशन सिस्टम भी आप लोगों का सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो ऐड हुआ है, साइक्लिक रिडंडेंसी ऐड हुआ है, सीआरसी ऐड हो गया है हम लोगों के साथ। और क्या है जो हम लोग का, याद है आप लोग लास्ट में हम लोग टीडीएम है, एफडीएम है, सीडीएम है, ये सब पढ़ते थे, ये सब हम लोग को एक्सक्लूड हो गया है। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक तो ये है। फिर आईएसआई वाला भी यहाँ पे हम लोग का क्या है, आईएसआई ये सब भी हम लोग को हटा दिया गया है। ठीक है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ये सब हट गया है, तो यहाँ पे अब कहीं मेंशन नहीं है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। अब ईएमटी में देखिए, यहाँ पे ना ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब यहाँ पे मेरे को सही नहीं लगा ये चीज़, मतलब ईएमटी। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे ईएमटी में आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स हटा दिया। मतलब अब अगर आप सोचो, अगर आप एबीसीडी पढ़ने जा रहे हो तो पहले एबीसीडी हटा दिया, मतलब एकदम, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का आपको आइडिया नहीं रहेगा तो फिर आप लोग ये सब मतलब समझोगे कैसे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, लिख देते क्वेश्चंस भले ही ना पूछते आप लोग, लेकिन यहाँ पे ये एक नया चीज डाल दिया क्या,
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स हटा के डायरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन से डाल दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी सेम है, लेकिन आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है इसको मेंशन नहीं किया है, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमको ये पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने जो है इसी वाला आप लोगों का जो सिलेबस है, जो छोटा मोटा चेंजेस किए हैं इन लोगों, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर इसी वाले आप लोग आईएन का नहीं देना चाहते आपका सेकंड पेपर, तो आप लोगों के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि इसी वालों का ऐसा तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, बस यही एक है कि आप लोगों को अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नया टॉपिक, लेकिन वो भी कोई बात वैसा है नहीं, इतना बड़ा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और ऊपर से क्या है कि वो ईएसई, जो सब लोग तो ईएसई तो देते ही है, तो ईएसई में भी वो काम आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि उसके क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, क्वेश्चंस और जो भी उसके थ्योरी होंगे वो हम लोग पढ़ ले एक साथ। ठीक है, तो मैं आप लोग को उसके लिए पढ़ा दूंगा। तो अब जो है मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का कवर कर लेता हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के साथ क्या हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोग इतना डरिए नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब है, चेंजेस बहुत सारे हुए, आप लोग थोड़े से अनलकी हो हर चीज़ों में। मैं खुद बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन में हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि कहाँ बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब ठीक है ना, हो गया है, चेंजेस अब हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते, किसी को ना कुछ बोल सकते। अब थोड़ी हम गेट बॉम्बे वालों को जाके बोले कि आपने हमारे साथ गलत कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। तो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ क्या है, दूसरे बच्चे भी देंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन जो हम लोग है, हम लोगों को आधे चीज़ें तो पता नहीं होता है वैसे ही। ठीक है, ऊपर से ये लोग बाकी जो ईसी आईएन ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले भी देंगे, सब खुश है वो लोग, तो मतलब आईएन से देंगे, गेट स्कोर ज़्यादा आएगा, ये है वो है, बहुत आप लोगों को तो पता ही है। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, मैं आप लोग एकदम डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए मतलब जो कोई नहीं पढ़ा था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले टीचर मैं देखता हूँ कि वो दूसरे दूसरे सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मतलब एकदम दूसरे बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन खुद के बच्चों को कभी नहीं, वो लोग कोई गाइड नहीं करता। जब मैं था 2014 में दिया था, मेरे को कोई गाइड वाइड कोई नहीं किया था। ठीक है, मैं खुद, मेरे को केसीएल केवीएल तक नहीं लगाना आता था, तो मैं कोचिंग ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था। तो मैंने कोचिंग से, कोचिंग तो ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ पर भी मेरे को समझ में आता था, लेकिन मैंने खुद भी बहुत एफर्ट डाला है। मेरा जो रैंक आया था 108, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत टॉप रैंक, मैंने बहुत बड़ा तोप मारा है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया था। सोचिए, एक लड़का जिसको केसीएल केवीएल नहीं आता, मैंने अपने पोस्ट में भी शायद लिखा था कि मैं सोचता था केसीएल पॉजिटिव होता है अगर क्लॉकवाइज चले, और नेगेटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज चले, इस तरीके का जिस लड़के का अगर कंसेप्ट हो वो अगर ला सकता है। और मैं उसके बाद भी बहुत बार रैंक किया हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब रैंक नहीं किए है। तो चलता है ये सब, मतलब होता है, हमको नहीं आते हैं चीज़ें, लेकिन हम सीख सकते हैं। आज के टाइम में अगर इतना इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, टेलीग्राम देखिए, इतना इन्फॉर्मेशन है, तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग एकदम मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा एमटेक वाला जो गाइड था, उसने मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा बताया था कि राहुल, आज के दिन में अगर आप कोई चीज़ बोलो कि आपको नहीं आता है, तो ये आपकी गलती है, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन हर चीज़ का अवेलेबल है, हर चीज़ का अवेलेबल है, बस आपको सीखने के लिए जज्बात होने चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जो भी लेक्चर अनकॉमन है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग ना इतने लकी नहीं हो मैथ्स में, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथड्स है यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो है हम लोगों को, देखिए हम लोगों को ना ये मैं क्या बोल रहा था कि ईसी वालों को ना ये टॉपिक हटा दिया है ईएमटी से, और ये हम लोगों के यहाँ ड्रॉप किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है ये हम लोगों को आया हुआ है, तो ये इसके लिए ना सैडिकू की किताब आती है, सैडिकू की किताब आती है, उसमें जो सेक्शन वन है ना वो यही डील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या किसकी किताब, इलेक्ट्रो, ये सैडिकू की किताब आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, उसका जो पहला है बस वही है। और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये इजी है, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, ये सब हम लोग क्या है 11 12th में पढ़े हुए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये सब हम लोगों ने टॉपिक जो है ये हमने
ट्वेल्थ इलेवेंथ में देखा हुआ है, तो इसमें कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। और जो क्वेश्चंस होंगे ना वो भी इतने कुछ कठिन नहीं पूछ सकते ये लोग यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम चेंजेस हुआ है एकदम, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और इसको मैं क्या करूँगा, ये जो भी मतलब टॉपिक पहले कभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है या हम लोग में नहीं था ना, वो मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगा ही करूँगा, इतना गारंटीड है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों के लिए नया है। और इसके जो भी क्वेश्चंस है ना ये मैं इसी से लेके आऊँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये इसी वालों को हमेशा से ईएमटी में था, इस बार नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे ये मैं वहाँ से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो भी क्वेश्चंस है और थ्योरी भी, तो थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा और क्वेश्चंस भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए इसके लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक, जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको हम नेटवर्क कहते हैं, वो यहाँ तक तो पूरा ही सेम है हम लोग का, कोई नया कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ तक सब सेम है। लेकिन ये मशीन का जो पार्ट है ना ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए मैं आप लोगों ना हवे में कोई बात नहीं करूँगा, ये जो चीज़ है ना इसका मेरे को भी इतना कोई मतलब आइडिया नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग भी? मतलब मैं भी एमटेक इलेक्ट्रिकल में गया हूँ लेकिन ये सब मैं पढ़ा ही नहीं हूँ कभी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पता नहीं क्या क्या है, फेजर डायग्राम तो पता है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं पता, रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी नहीं पता, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ये सब मुझे नहीं पता, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टॉर्क स्पीड कैरेक्टर्स, टॉर्क स्पीड रेशियो, मैंने ये सब, ये जो टॉपिक है ये मैंने शायद इसमें देखा था, प्रोसेस कंट्रोल में ये पढ़ा है, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ये थोड़ा बहुत पता है, टाइप्स ऑफ लॉसेज एंड ट्रांसफार्मर लॉसेज ये भी थोड़ा मैंने सुना है, सुना नहीं मतलब पढ़ा ही है। तो सामने मतलब मेरे को ये सब्जेक्ट का कोई आइडिया उतना है नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगा ये मैं खुद आप लोगों के लिए, मैं टाइम निकाल के मेरे काम के बाद मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आईएन मेरा फेवरेट ब्रांच है, क्योंकि मैं बीटेक वाला हूँ आईएन से, तो मैं ये आप लोग के लिए लाऊंगा ही लाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, चाहे मेरे को कुछ भी पढ़ना पड़े कहाँ से भी पढ़ना पड़े मैं पढ़ के ये आप लोग के लिए कंपाइल करूंगा ही इसके क्वेश्चंस और इसके थ्योरी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सिग्नल एंड सिस्टम तो वही सेम है जो पहले से था, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ उतने चेंजेस तो हुए नहीं है, कंट्रोल सिस्टम वही सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है, कंट्रोल सिस्टम के बहुत टॉपिक है, मतलब हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल भी आ जाता है, ठीक है? लेकिन उससे कोई क्वेश्चंस आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये जो स्टेपर मोटर है ये सब कोई नहीं पढ़ा है, आप लोग देखोगे कि यहाँ से ना कोई ये सब चीज़ें पढ़ाता ही नहीं है, इवन जो आईएन वाले टीचर खुद है वो भी नहीं पढ़ाते, ये लोग बोल देते हैं कि नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग देखोगे कभी एक आध बार क्वेश्चन पूछ लेता है, दो तीन, दो मार्क या तीन मार्क का, और फिर आप लोग क्या देखते हो कि एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन रहता है, कि अगर आपको थ्योरी थोड़ा सा भी पता हो ना तो आप तुरंत फटाक से वो क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन वो क्या है हम लोग पढ़ते नहीं है बोल के छूट जाता है। तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल सिस्टम तो मैं आप लोगों को नहीं, मतलब कंट्रोल क्योंकि मेरा मास्टर्स एमटेक कंट्रोल में है, तो मैं कंट्रोल शायद आप लोगों का डील करूंगा, ठीक है? नहीं तो मैं जो भी टॉपिक जो कोई नहीं पढ़ाता है ना मैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोग फायदे में रहो, ठीक है? अब देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे मेरे को क्या दिखा कि हम लोग ये सब पहले नहीं पढ़ते थे। देखिए अगर मैं देखूँ तो ये हम लोगों को ना यहाँ से सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज ये सब हम लोगों को नहीं था, ये सब हम लोगों को, ये टॉपिक ना हम लोगों को कभी मेंशन नहीं था, ठीक है? और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि ये सब तो था ही, लेकिन ये प्रिसीशन रेक्टिफायर ये भी हम लोग कभी पढ़ते नहीं थे, मतलब था पहले भी लेकिन पढ़ते नहीं थे, लेकिन हम लोग अब पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये नया कुछ आया है, सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है? ये मेरे को पता है तो मैं क्या करूँगा इसका लेक्चर आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ये भी नया टॉपिक है ऐड हुआ है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट नॉइज़ रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नॉइज़ रहता है, अभी बता के क्या फ़ायदा, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? तो ये हम लोग देखेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखिए मैं क्या बोला था, इस बार हम लोग एकदम ही लकी नहीं है, मतलब आईएन वाले बिल्कुल इस बार आप लोग लक का आप लोगों के खिलाफ है, लेकिन ठीक है लक खिलाफ होने से भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेहनत जो है वो लक को काट देता है, ठीक है? देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर, जब बाकी सब लोगों का माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर हटा है, लेकिन हम लोगों के साथ बिल्कुल ही मतलब इन लोगों ने कोई रहम नहीं दिखाया है, एकदम दे दिया है, मतलब खेल है पूरा पेपर। तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर तो दिया ही है, चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ना देखिए ये चीज़ भी दे दी है, बेसिक्स ऑफ डीसीएस एंड पीएलसी, समझ रहे हैं? मतलब पीएलसी इतना कोई छोटा चीज़ नहीं है, अब बेसिक्स में क्या पढ़ना है, मतलब कोई टॉपिक का आप अगर बेसिक बोल दोगे तो सब चीज़ बेसिक ही रहता है। तो डीसीएस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और पीएलसी तो हमें पता ही है, तो ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब अगर आप लोग एमटेक करोगे ना तो वहाँ पे एक बड़ा सा टॉपिक रहता है, बेसिक्स में कितना कवर करना है ये मेरे को भी आइडिया नहीं है,
फिर भी हम लोग एक ओवरव्यू तो इसका लेंगे ही लेंगे, तो ये चीज भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मेजरमेंट जो है यहाँ पे भी हम लोग देखते क्या है, कुछ इतना तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, मेजरमेंट सेम है हम लोगों को। और आता है इंडस्ट्रियल सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर, ये भी हम लोगों का सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरे को लग रहा है, रुकिए मैं चेक कर लूँ कि नहीं सेम है, सब चीज़ें सेम है, क्योंकि मैंने देखा था बोलोमीटर भी है, तो ये सब एकदम एक्सक्लूसिवली मतलब मेजर की मतलब लिखा हुआ है सिलेबस में, पहले भी लिखा हुआ था। अब कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन से खैर हम लोग को कम क्वेश्चन आता है, लेकिन अब बोल नहीं सकते क्योंकि चेंजेस इतना ज़्यादा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि अभी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम बोले कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक चेंज हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन में। मतलब हम देख क्या रहे हैं, दो सब्जेक्ट में तो एकदम मतलब ड्रास्टिक चेंज हो गया, एक नया सब्जेक्ट ही आ गया, ठीक है। तो अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि कम्युनिकेशन हम लोग बिना पढ़े चले जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना है हम लोगों को, कम्युनिकेशन भी हम लोग देख के जाएंगे, ठीक है। और देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में है ना, ये यूवी वीआईएस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये चीज़ एक नया ऐड हुआ है, ठीक है, ये पहले कहीं पे लिखा नहीं था, ये मेंशन नहीं था, लेकिन अब ये मेंशन हुआ है, ठीक है। तो आईएन वाले आप लोगों का सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है, और आप लोगों का कुछ भी चीज़ जो है मैं बोलूँगा कोई चीज़ आप लोगों का डिलीट नहीं हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं किया है गेट से। और ऊपर से क्या होगा कि मतलब इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले वो भी अपना सेकेंडरी पेपर जो है दे सकते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मतलब है थोड़ा डिफिकल्टी वाली बात है, अभी सोचेंगे तो डर लगेगा, क्योंकि अभी समझ रहे एकदम मतलब 8-9 महीने बचे हुए एग्ज़ाम के लिए, और मतलब इतने सारे चेंजेस हमें दिख रहा है। तो पहले तो मतलब कोई भी पहाड़ अगर हम चढ़ते तो बहुत ऊंचा ऊंचा दिखता है तो डर जाते हैं, लेकिन एक बार बस हम लोग अगर ठान ले कि हमें चढ़ना है तो धीरे धीरे चढ़ते हैं तो चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो मैं ना सबसे पहले तो मैं आज सुबह ना मेजरमेंट का लेक्चर बना रहा था, सुबह उठ के आप लोग तो देखते हो कि मेरे को 3-4 बजे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो मैंने क्या किया एक नया चैनल बनाया हुआ है गेट के लिए, जिसमें क्या करूँगा कि मैं लेक्चर लाऊँगा, तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ना वो मेजरमेंट आप लोगों के साथ कवर कर देता हूँ आप लोगों का, क्योंकि मेजरमेंट ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल ना इंस्ट्रूमेंटेशन का अगर आप देखोगे तो मतलब जब मैं वीडियो बनाऊंगा मेजरमेंट का पहला, तो आप देखोगे कि मतलब 10 मार्क तो आ ही रहा है, 2000 पता नहीं 17 से 2017 से आप देखोगे कि 10 10 मार्क करके पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मतलब ये एक हमारा कोर तो हो ही चुका है, कोर सब्जेक्ट है मेजरमेंट हम लोग का। तो मैं क्या करूँगा मेजरमेंट आप लोगों को पढ़ा दूंगा, और जो भी हम लोगों का मतलब यहाँ पे टॉपिक जो देखिए ये सब आए हुए हैं नए नए हम लोग देखे क्या, ये सब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये सब भी मैं एक एक करके आप लोगों का लूँगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, ये ना जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है, ये क्या है कि ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले ये लोग हम लोगों के इधर आए ना, अब मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि इसरो ना हम लोग ईसी और इलेक्ट्रिकल वालों से अच्छा देंगे, स्पेशली ईसी वालों से, जो भी मेरे आईएन वाले दोस्त हैं। देखिए भाई ईसी वाले आप लोग नाराज मत होइए, ठीक है, आप लोग बहुत जगह फ़ायदा लेते हैं आईएन वालों का, वो मेरे को भी पता है आप लोगों को भी पता है, देखिए अगर आप लोग नाराज नहीं हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आईएन वालों आप लोग ना इसरो में ये सब चीज़ें पूछेगा आपसे, ठीक है, तो हम लोग ना वहाँ पे एकदम मतलब गेम कर देंगे सब, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये हम लोग सब इसरो में काम लाएंगे, इसरो और ईएसई में, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये लोग देखिए अगर भगवान एक हाथ से कुछ लेता है ना तो दूसरे में कुछ दे भी देता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसरो और ईएसई में ना ये सब टॉपिक का हम लोग एकदम भरपूर फायदा उठाएंगे मतलब, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और आप लोग का प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कीजिए। मैं शायद मेजरमेंट का जो लेक्चर है वो कल या परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो हम लोग फिर साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, और तो कुछ बोलने लायक मेरे पास बचा नहीं है। और इसी वाले प्लीज़ मतलब नाराज़ नहीं हो जाएगा मैंने ऐसा बोला, आप लोग भी मेरे सेकंड फेवरेट ब्रांच हो एकदम, मतलब समझ रहे हो, आप लोगों के साथ भी आजकल बहुत बुरा हो रहा है मैं देख रहा हूँ, मतलब पीएसयू वीएसयू में कोई वैकेंसी नहीं आता है, मतलब एकदम जो आता है वो भी बहुत एक दो करके आता है, तो आप लोगों के साथ भी थोड़ा बुरा हो रहा है। और इस बार तो मतलब ईएसई में तो पूरा ही बुरा हो गया, मैंने भी खैर ईएसई दिया था इस बार, लेकिन क्या बोलते हैं एकदम मतलब बुरा हो गया वहाँ पे भी। तो ठीक है फिर यहीं पे मैं लेक्चर एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को सब अच्छे से अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो फिर मैं मेजरमेंट का लेक्चर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।